अलग अलग महिमा है महाराज कथाओं के। सूत जी ने शंकर भगवान के अनन्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया और उन अनेक ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है ये जो आपने अभी सुना। प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ सौराष्ट्रम। सौनक आदि ने कथा का श्रवण करते हुए प्रश्न किया कि भगवान सोमनाथ के रूप में कैसे धरती पर आए, उनका भी विस्तार पूर्वक दृष्टांत सुनाइए। तब भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कथा का वर्णन किया। सौनक जी दक्ष प्रजापति की 11 कन्याओं का विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ। चंद्र देव को अच्छा पति मानकर 11 कन्याओं ने वर्ण कर लिया था और दक्ष प्रजापति ने 11 कन्याओं का कन्यादान किया। चंद्रमा दरअसल में बहुत अच्छे शीत स्वभाव शील स्वभाव, पर चंद्रमा के अंदर खोट क्या निकला कि चंद्रमा ने केवल 11 पुत्रियों में से एक ही पुत्री रुक्मिणी माफ करिए रोहिणी को अपने गृहस्थ में स्वीकार किया। तद्धर्मो न रक्षतम प्रियां देवस्तलोकम पुण्यम च भवता। देवताओं से भी गलतियां होती रही हैं, किसी से भी होगी गलती, देवताओं से भी गलती हुई, चंद्र देवता से गलती हुई कि उन्होंने 11 कन्याओं को वर्ण करके एक ही कन्या को पत्नी सुख दिया और 10 कन्याएं दक्ष प्रजापति के विवाह के दिन से ही पति के लिए तरसती रहीं, पर चंद्र देव ने उनसे कुशल मंगल भी नहीं पूछा और बस उन्हें खाने पीने और महल में छोड़ दिया। मास मूलम गति व्याप्तम, दिन गुजरे महीने गुजरे मास गुजरे, 6 महीने के बाद दक्ष प्रजापति अपनी कन्याओं को लेने के लिए आए चंद्रलोक में। सब कन्याएं गईं, हरिद्वार पहुंची अपने पिता के घर, वहां जाकर अपनी मां से मिली तो मां ने अंतर देखा कि 10 कन्याएं सूख की लकड़ी हो गई हैं और एक कन्या मेरी इतनी तंदुरुस्त और प्रसन्न लग रही है, आनंदित लग रही है। रोहिणी अपनी तरफ से बेटियां जो दुखी हैं वो कुछ नहीं कह रही हैं पति के बारे में। पहले ऐसा ही था, पहले पति की कोई बुराई करना पाप मानते थे पत्नी, पहले बड़ी समस्याएं थी, भावना की समस्या, श्रद्धा की समस्या, मान्यताओं की समस्या, अब सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है, अब किसी को माफी नहीं है, अब किसी को भी जगह नहीं है गलत काम में, सारे दर्जे समाप्त हो गए। मां तो मां ही होती है, मां बेटी का सब पहचान लेती है। जब तक मां है तब तक बेटी के लिए मायका स्वर्ग जैसा है और मां के न रहने के बाद में वही मायका बेटी के लिए शेष कुछ नहीं रह जाता। फिर वहां दक्ष की पत्नी ने सारा पहचान करके पुत्रियों से अकेले में पूछा, बताओ क्या बात है, बताओ क्या बात है, बताओ क्या बात है। तब पुत्रियों ने मां से कहा, मां हमारे पति चंद्र देवता केवल रोहिणी के साथ ही वार्तालाप करते हैं, व्यवहार करते हैं, हमसे नहीं बोलते, हमें नहीं देखते, हमारी कुशल भी नहीं पूछते, हम कैसे रहें वहां, कैसे खुश रहें, ये हाल है। दक्ष पत्नी ने अपने स्वामी से दक्ष प्रजापति को बुलाकर सभा में आकर कहा कि आपकी बेटियों का संसार अच्छा नहीं चल रहा,
चंद्र देवताओं ने बेटियों में भेद डाल दिया है, केवल वो रोहिणी को पत्नी मानकर सुख देते हैं, बाकी 10 कन्याएं तरस रही हैं सुख के लिए। दक्ष प्रजापति को पता चला पुत्रियों के बारे में तो दुखी हुए और लेकर के विमान उठाया, पुत्रियों को बिठाया और लेकर चंद्रलोक में पहुंचे और जाकर के चंद्रमा को समझाया। चंद्रदेव ये अपराध है, यह अन्याय है, मेरी कन्याएं सभी समान हैं और मैंने एक समान कन्यादान किया है, तुम शीत स्वभाव शील स्वभाव के हो, बड़े परोपकारी हो, सारे देवता विश्राम करते हैं और तुम रात्रि भर समाज की संसार की सृष्टि की सेवा करते हो, इसीलिए मुझे तुम आए पसंद और मैंने अपनी इतनी सारी कन्याएं तुम्हें आदान कर दी और तुम मेरी कन्याओं के साथ में छल कपट भेदभाव करते हो, ये ठीक नहीं है। दक्ष प्रजापति के डर से भयभीत हो गए चंद्र देवता, जानते थे दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधी स्वभाव के, माफी मांगी और दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, समान रूप से पत्नियों को आपकी पुत्रियों को व्यवहार करता रहूंगा। दक्ष प्रजापति समाज सुधार के चले गए, समझा के चले गए, हरिद्वार पहुंच गए, अपने घर पर आ गए कैलाश से चंद्रलोक से। दक्ष प्रजापति के जाने के बाद में चंद्र देवता ने फिर वैसा ही व्यवहार किया, केवल रोहिणी के साथ में वार्तालाप प्रेम व्यवहार और बाकी 10 कन्याओं को वैसा का वैसा ही। 6 महीने तक और झेला, पूरा वर्ष निकल गया, दक्ष प्रजापति आए लेने के लिए, चलो पुत्रियों, तब दक्ष प्रजापति ने देखा कि मेरी पुत्रियों का क्या हाल हो गया है, सुख की लकड़ी हो गई। आज पिता ने पहचान लिया कि मेरी पुत्रियों को जरूर दुख है, ससुराल में कष्ट है। सास तो अच्छी है, ससुर अच्छे हैं, पर पति अच्छा नहीं है। किसी किसी का पति अच्छा होता है, सास ससुर अच्छे नहीं होते। दक्ष प्रजापति ने एक बार और समझा दिया, तीसरी बार भी वही चंद्र देवता ने किया। इस बार दक्ष प्रजापति ने चंद्र देवता को दंड दे दिया, हे चंद्रदेव, तुमने कन्यादान के बाद मेरी पुत्रियों को भेद से एक पुत्री को प्रेम और ग्रस्त दिया, संसार दिया है, और मेरी 10 पुत्रियों को तुमने दुख दिया है, इसीलिए मैं अपनी पुत्रियों के दुख से प्रधित होकर के तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी सुंदर काया नष्ट हो जाए, तुम रोहिणी के भी योग्य ना बचो, क्योंकि मेरी सारी पुत्रियां एक जैसी होनी चाहिए और तुम्हारा सारा शरीर रोग से भर जाए, तुम्हारा शरीर भोग के लायक ना बचे। जैसे ही दक्ष का श्राप लगा, दक्ष प्रजापति के श्राप के तत्काल ही शरीर रोगी हो गया। ये नजर नाम की जो बीमारी है ना, ये 2 मिनट में रोगी बना देती है शरीर को, ये ध्यान रखें। दक्ष प्रजापति ने कहा कि तुम्हारा शरीर भोग ना कर सके ऐसा रोग हो जाए, कौन सा रोग है, तो कहा क्षयवृत्ति रोग हो गया, क्षय रोग, धीरे धीरे पूरा शरीर पिंजड़ हो गया चंद्र देवता का, सूख गया, शरीर की शक्ति खत्म हो गई, शरीर का तेज खत्म हो गया, शरीर का बल खत्म हो गया, अब शरीर में तेज बल ही खत्म हो गया तो भोग कहां से करेंगे, कहां से स्त्री संग करेंगे। अब सारे देवताओं में हल्ला मच गया कि चंद्र देवता को श्राप लग गया है, चंद्र देवता को श्राप लग गया है। सारे के सारे देवता इकट्ठे हुए चंद्रमा के दुख को देखकर, सब देवताओं ने चंद्रमा को समझा कर कहा, चंद्रदेव, अगर तुम्हें श्राप दक्ष ने दिया है तो वो अटल है, कभी टल नहीं सकता, इसका समाधान अगर कहीं मिल सकता है तो वो केवल देवता हमारे गुरुजन है, चलो गुरु जी के पास। चंद्र देवता सब देवताओं के साथ में गुरुदेव बृहस्पति ब्राह्मण के पास पहुंचे। बंधुओं, ये कथा समझा रही है कि सारी दुनिया थक जाए, जब देवता भी श्रापित हो जाए, तब गुरुदेव काम आते हैं और उस श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता निकालते हैं, संकट निकालते हैं, दुख दर्द से बचने का प्रयास निकालते हैं। सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कहा,
आज बृहस्पति ब्राह्मण ने मार्ग निकाल करके चंद्र देवता को कहा कि संकट बड़ा है, तुमने कर्म खराब किया है, पाप किया है, दक्ष की कन्याओं को अपनी पत्नियों को धोखा दे करके अपराध किया है, तुम्हारे शरीर में रोग लगना ही चाहिए, पर अब तुम आए हो तो चलो इसका प्रायश्चित करना चाहते हो तो जाओ सौराष्ट्र की धरती पर जहां सूर्य अस्त होता है वहां जाकर सागर के किनारे बैठकर भगवान शंकर का ध्यान करो, अभिषेक करो, वो प्रसन्न होंगे, वही उद्धार कर सकते हैं तुम्हारा। जिस रोग को दवा ठीक नहीं कर सकती उस रोग को शिवजी का ध्यान ठीक कर सकता है, शिव महिमा ठीक कर सकती है। शिव पर चढ़ाई हुई भांग धतूरे घास फूस जो है ये ठीक कर सकता है। दक्ष प्रजापति के श्राप से, चंद्र देवता विश्वपति के कृपा से, गुरु कृपा से सौराष्ट्र के पावन धरती पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। 6 महीने ध्यान किया, पार्वती सहित भगवान शंकर पधारे चंद्र देवता को आशीर्वाद वरदान देने के लिए। वर मांग लो, हम प्रसन्न हो गए तुमसे हे चंद्रदेव, प्रभु मेरा स्वास्थ्य अच्छा कर दो, मुझसे अपराध हुआ है। भगवान शंकर कहते हैं चंद्रदेव, दक्ष प्रजापति का श्राप मुझसे टाला नहीं जाएगा, उनका श्राप अटल है, पर तुमने जो मेरी भक्ति की है उस भक्ति का फल भी अटल है। इसीलिए चंद्र देवता के श्राप से तुम 14 दिन छोटे होते चले जाओगे, तुम्हारा तेज मरता चला जाएगा, और मेरी भक्ति तुमने जो की है उससे तुम तेजस्वी होते चले जाओगे, 14 दिन लगातार तुम्हारा तेज बढ़ेगा और विराट रूप हो जाएगा। चंद्रदेव ने कहा प्रभु 14 दिन मैं बढ़ूंगा घटूंगा, बीच में जो द्वितीया का दिन है वो कहां जाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा। तो भगवान शंकर ने कहा द्वितीया के दिन मैं तुम्हें अपनी जटाओं में रख करके कैलाश पर संभाल लूंगा एक दिन के लिए, और पड़वा को तुम्हारा मौन होकर के संसार तुम्हारा मेरी जटाओं में ही ध्यान करेगा। ऐसा परमात्मा ने शंकर को, शंकर ने चंद्र देवता को वर प्रदान किया और चंद्र से कहा कि और भी कोई इच्छा हो तो वर मांग लो, ये तो मैंने दे दिया तुम्हारी भक्ति का फल, पर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। तब शंकर भगवान से चंद्र देवता ने मांगा कि मेरे जैसे न जाने पत्नियों को धोखा देने वाले करोड़ों पति हैं, उन पतियों को गुरु भी नहीं है, उन्हें बुद्धि कौन देगा सुधरने की, ऐसे दुष्ट पतियों का सुधार कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा। प्रभु आपको मैंने ध्याया, आप आए, वो तो नास्तिक भी हैं, वो कैसे कल्याण होगा, तब आप यहीं स्थापित हो जाइए। तब भगवान शंकर ने कहा तुम ठीक कहते हो, पापियों का कल्याण होगा मेरे उद्धार से, स्थापना से, पर सोम तुम्हारा नाम मुझे प्रदान करो। तब भगवान चंद्र देवता का एक नाम ऐसे ही पड़ा था सोमदत्त, तो भगवान ने सोम शब्द को लेकर के नाथ अपना सोम उनका, ऐसा आधा उनका नाम आधा अपना लेकर के सोमनाथ महादेव के रूप में, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान सौराष्ट्र की पावन धरती पर स्थापित हो गए। कहते हैं महादेव ने चंद्र देवता को महत्तम बताया, हे चंद्रदेव जो भी सोमनाथ में आकर अभिषेक करेगा और अभिषेक के पानी से स्नान कर लेगा उसके सभी रोग कट जाएंगे, वो निरोगी हो जाएगा। सोमनाथ लोग जाते हैं, यह लीला करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये क्रियाएं होती हैं, हर ज्योतिर्लिंग में कुछ न कुछ महत्व समाया है, कुछ न कुछ महिमा समाई है भगवान शंकर की। 2 ज्योतिर्लिंग आपको अलग अलग महिमा बता रहे हैं, यम ब्रह्मो न कृतम मूलम जात वेदो यथा सुख, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। धुन 3 लोक में गूंज रही उस डम डम डमरू बोले की,
सब कुछ सृष्टि को दे डाला थी करामात उस झोले की, सब कुछ सृष्टि को दे डाला थी करामात उस झोले की, एक बार मिलकर कह दो जय शिव शंकर भोले। भोले से मिले आऊंगी, भोले से मिले आऊंगी, मैं हर की पौड़ी जाऊंगी। भोले से मिले आऊंगी, मैं हर की पौड़ी जाऊंगी। भोले से मिले आऊंगी, मैं हर की पौड़ी संतन को न्योत जमाऊंगी, संतन को न्योत जमाऊंगी, मैं हर की पौड़ी जाऊंगी। भोले से आऊंगी, हर की पौड़ी जाऊंगी। भोले से मैं आऊंगी, मैं हर की पौड़ी जाऊंगी। चढ़ाऊंगी नारियल भेंट चढ़ाऊंगी, मैं हर की पौड़ी जाऊंगी। भोले से मिले आऊंगी, मैं हर की पौड़ी जाऊंगी। जय हो। Thank you.
सत्य संगत प्यारी, संतों की सत्य संगत प्यारी, गुरु जी सुन लो अर्ज हमारी, गुरु जी सुन लो अर्ज हमारी, ओ संतों की सत्य संगत प्यारी, संतों की सत्य संगत प्यारी, ओ गुरु जी सुन लो अर्ज हमारी, गुरु जी सुन लो अर्ज हमारी, हम भोले गाऊंगी, हम भोले गाऊंगी, मैं हर की बोड़ी जाऊंगी, भोले से मिल आऊंगी, मैं हर की बोड़ी जाऊंगी, भोले से मिल आऊंगी, मैं हर की बोड़ी जाऊंगी, भोले से मिल आऊंगी, मैं हर की बोड़ी जाऊंगी, भोले से मिल आऊंगी, मैं हर की बोड़ी जाऊंगी, भोले से मिल आऊंगी, मैं हर की बोड़ी जाऊंगी, से मिल आऊंगी, महादेव की जय।